अगर 50,000 बजट वाला एक एंड्रॉयड प्रीमियम एंड्रॉयड फ़ोन ख़रीदना चाहते हो एंड आपका कन्फ्यूजन है मोटोरोला S30 अल्ट्रा एंड वीवो की तरफ से IQ00 90 ये दोनों मोबाइल के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो में ये दोनों मोबाइल के अंदर पूरा की पूरा इसका जो स्पेसिफिकेशन है उसका कंपेरिजन करेंगे एंड ये दोनों का जो वेरियंट है एंड प्राइस है उसके बारे में बताएंगे एंड कौन सा फ़ोन आपके लिए सबसे वैल्यू फॉर मनी फ़ोन होगा वो आपको डिटेल्सली क्लियर कर देंगे। अगर आप किसी भी फ़ोन रिव्यूअर जो होता है उसका रिव्यू अगर आप देखेंगे जो फ़ोन हैंड टू हैंड ले करके आपको दिखाते हैं उसके अंदर आपको पक्का जो है इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर केस में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो कंपनी है जैसे कि मोटोरोला है तो उसके पास मोटो S30 अल्ट्रा फ़ोन भेजा होगा, तो जब उसको भेजा तो उसको जो है वो एक स्पॉन्सर देता है, एक पैसा देता है, तो इसीलिए वो उस फ़ोन के बारे में उल्टा सीधा बात नहीं कर सकते, दूसरा फ़ोन के साथ अच्छी तरीके से कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम लोग कर सकते हो क्योंकि हम लोग जो इसका पूरे की पूरे स्पेसिफिकेशंस है वो देखता हूँ, देखने के बाद जो है ये फ़ोन थोड़ा बहुत जो टेस्ट करना होता है शॉपिंग मॉल वगैरह में जाके जितना भी देखना होता है वो देखने के बाद कैमरा वगैरह टेस्ट करने के बाद जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन मिलता है वो आपको देता है एंड ये बिल्कुल जेन्युइन होता है। तो ये जो दोनों मोबाइल है इस दोनों मोबाइल के अंदर काफ़ी ज़्यादा टक्कर है। एक के अंदर तो V1 चिप है जिसके लिए आप जो V1 चिप है वो आपका डिस्प्ले को काफ़ी ज़्यादा पावर देता है, जब आप गेमिंग करते हो तो आपको अच्छा खासा फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है। एक मोबाइल के अंदर आपको अच्छा खासा कैमरा देखने को मिल जाता है 200 मेगापिक्सल का, मोटो S30 अल्ट्रा जैसे कि आपको पता है ये मोबाइल के अंदर आपको 200 मेगापिक्सल का जो है आपको कैमरा देखने को मिल जाता है। इसके अंदर जो चार्जिंग है बहुत ही तगड़ा है, तो ये दोनों फ़ोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा टक्कर है एंड काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग फ़ोन है कि ये लूँ तो ये दोनों फ़ोन के अंदर से कौन सा फ़ोन मैं लूँ, कौन सा फ़ोन का सर्विस सेंटर अच्छा है, ये सारी की सारी चीज़। तो चलिए सबसे पहले मोटो S30 अल्ट्रा के बारे में बात कर लेते हैं, फिर जाके IQ00 90 ये फ़ोन के बारे में बात करेंगे, फिर जाके हम लोग कंपेरिजन करेंगे। तो मोटो S30 अल्ट्रा जो है इसका हाईलाइट है 200 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है, एक प्राइमरी जो कैमरा है वो 200 मेगापिक्सल का है। इसके अंदर जो प्रोसेसर दिया गया है वो नेक्स्ट लेवल का प्रोसेसर है, काफ़ी अच्छा खासा प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 मोबाइल प्लेटफॉर्म प्रोसेसर है एंड ये जो प्रोसेसर है ये 8 नैनोमीटर बेस्ड ट्रांसिस्टर बेस्ड ये प्रोसेसर है, तो इसके अंदर काफ़ी बिलियंस ऑफ ट्रांसिस्टर इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ ये काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर भी है। ओवरऑल बात करूँ तो ये दोनों फ़ोन के अंदर सेम ही प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है, स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 मोबाइल वाला जो प्रोसेसर है वो आपको देखने को मिल जाता है। ये जो मोटोरोला S30 अल्ट्रा इसके अंदर आपको 128 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है, 3.1 का जो है UFS वर्जन जो है 3.1 है, जो आपका बजट फ़ोन होता है जैसे कि 20,000 के अंदर उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2.2 ही देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे UFS 3.1 देखने को मिल जाता है जिसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 2.2 वर्षन है इसका 3.1 है, तो इसका स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा होगा। अब इंटरनल स्टोरेज का स्पीड ज़्यादा होने से क्या होगा, आपका जो गेम लोडिंग टाइम है काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि आपका जो गेम है वो आपका इंटरनल स्टोरेज के अंदर रहता है, जब आप गेम ओपन करते हो तो इंटरनल स्टोरेज के अंदर जो सारे के सारे डेटा रहता है वो सारे के सारे डेटा रैम के अंदर आपका कॉपी हो जाता है, तो रैम के अंदर जब कॉपी होता है तो इंटरनल स्टोरेज की स्पीड अगर ज़्यादा होगा तो रैम के अंदर ज़्यादा जल्दी कॉपी होगा, इसलिए आपका फ़ोन जो है आपका जो गेम है वो जल्दी जल्दी बूट हो जाएगा, तो इस मामले में काफ़ी अच्छा खासा चीज़ है एंड साथ ही साथ और भी काफ़ी ज़्यादा इसका एडवांटेज भी आपको देखने को मिल जाता है। इसके अंदर जो रैम दिया गया है LPDDR5 8GB रैम का वेरिएंट आपको देखने को मिल जाता है मोटो S30 अल्ट्रा मोबाइल के अंदर। ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट, अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिल जाता है, फिंगरप्रिंट जो है आप स्क्रीन के ऊपर देके फिंगरप्रिंट ले सकते हो, इसके लिए इसका जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले जो है एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इसका पूरा की पूरा जो स्पेसिफिकेशन वो काफ़ी अच्छा खासा है। इसके अंदर जो सेंसर दिया गया है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बिएंट लाइन सेंसर, एक्सेलेरोमीटर जो है जायरोस्कोप एंड सार सेंसर, मैग्नेटोमीटर जो कंपास होता है वो सारी की सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। इसके अंदर जो बैटरी देखने को मिल जाता है मोटो S30 अल्ट्रा के अंदर 4610 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है। वायर के थ्रू अगर आप चार्ज करते हो जो USB टाइप सी है उसके थ्रू अगर आप चार्ज करते हो तो 125 W का चार्जिंग देखने को मिल जाता है, वायरलेस 50 W का वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल जाता है एंड 10 W का रिवर्स चार्जिंग, मतलब आपके पास अगर एक हेडफोन है जो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है जैसे कि जो बॉक्स वाला हेडफोन है वो आपका फ़ोन के पीछे में लगा देंगे तो चार्ज होएगा हो जाएगा, दूसरा एक फ़ोन के अंदर अगर वाईफाई चार्जिंग वायरलेस चार्जिंग अवेलेबल है तो उस फ़ोन को अगर उसका पीछे
चिपका देंगे तो ऑटोमेटिकली 10 वाट रिवर्स चार्ज ये कर देगा। तो ओवरऑल इसके अंदर चार्जिंग के मामले में कुछ भी नहीं छोड़ा, 125 वाट का यहाँ पे 7 मिनट चार्ज देने से पूरा की पूरा आपका दिन चल जाएगा, ऐसा कुछ ये लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर जो डिस्प्ले है 6.67 इंच का एंडलेस एच डिस्प्ले, मतलब जो डिस्प्ले का जो ऊपर है वो थोड़ा सा कर्व है, तो ऑब्वियसली ये डिस्प्ले दिखने में, ये फ़ोन दिखने में काफ़ी अच्छा खासा आपको दिखने वाला है। FHD प्लस 2400x1080 394 PPI का यहाँ पे डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। POLED डिस्प्ले है, HDR10+10 bit डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। एंड कलर स्पेस की बात करें तो 144 यहाँ पे DCI-P3 कलर स्पेस है, 144 Hz का रिफ्रेश रेट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। एंड एक्टिव एरिया टच पैनल वगैरह सारे सारे चीज़ जो होता है वो है 20:9 इसका एस्पेक्ट रेशियो आपको देखने को मिल जाता है। एंड यही था बेसिकली चीज़। इसका अगर मैं कैमरे की बात करूँ तो ये एक कैमरा फ़ोन ही है, इसके अंदर एक सेंसर आपको 200 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है F1.9 एपर्चर रेशियो के साथ। एक सेंसर आपको पीछे के बारे में बात कर रहा हूँ, 50 मेगापिक्सल का एक सेंसर देखने को मिल जाता है एंड 12 मेगापिक्सल का एक पोर्ट्रेट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो कैमरा जो है इसका काफ़ी तगड़ा कैमरा है। 200 मेगापिक्सल का मतलब ये नहीं कि एप्पल से अच्छा कैमरा आपको दिखाई देगा। एप्पल का जो आईफोन होता है उसके अंदर 48 मेगापिक्सल का, आईफोन 14 के अंदर 8 मेगापिक्सल कैमरा है, वो जो कैमरा है उस कैमरे का जो लेवल है एट 200 मेगापिक्सल, ये वाला जो कैमरे का लेवल है लगभग सेम है, कुछ मामले में आईफोन जो है वो आगे जाता है। तो ऑब्वियसली जो है मेगापिक्सल यहाँ पे मायने नहीं रखते, जो सेंसर है, सेंसर जो है कितना बढ़िया सेंसर है, कितना बड़ा वाला सेंसर है वो डिपेंड्स करते हैं। इसके अंदर जो फ्रंट कैमरा है वो 60 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। फ्रंट कैमरे से आप 4K रिकॉर्ड कर सकते हो, पीछे वाला कैमरे से आप 8K रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये इसका पूरा की पूरा जो हाईलाइट है वो चार्जिंग पे है, कैमरा पे है, डिस्प्ले पे है। तो ओवरऑल जो फ़ोन है ऑब्वियसली ये जो है इसके अंदर हर एक चीज़ आपको दे दिया। आप एक एंड्रॉयड फ़ोन क्यों खरीदेंगे, एप्पल जैसा फ़ोन क्यों खरीदेंगे? अगर आपके पास इकोसिस्टम है तो ठीक है, एप्पल वाला इकोसिस्टम, लेकिन आपके पास अगर इकोसिस्टम नहीं है तो एप्पल मोबाइल लेने का कोई महीना नहीं रखता आपके पास, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारा दिक्कत है अवेलेबल है, मतलब काफ़ी सारा दिक्कत है। एक एंड्रॉयड मोबाइल ले लो, ये इस जैसा हम लोग कंपैरिजन करेंगे, वो देख के आप ले लो। तो देखिए ये है बेसिकली इसका कैमरा की बात। अब यहाँ पे ऑडियो की बात करो तो इसके अंदर नेक्स्ट लेवल का ऑडियो दे के रखा है, डुअल स्पीकर के साथ डॉल्बी एटमोस यहाँ पे एम्पलीफायर या सिस्टम इसके अंदर दिया गया है। एंड साथ ही साथ टू माइक्रोफोन ऑब्वियसली आपको देखने को मिल जाता है, जो चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। 5G मोबाइल है एंड वाइड रेंज में 5G का बैंड देखने को मिल जाता है, 4G का बैंड वाइड रेंज में आपको देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ जो है 5.2 का ब्लूटूथ दे के रखा है, तो अगर आप गेमिंग करना चाहते हो, एक नेक बैंड या किसी भी ब्लूटूथ हेडफोन खरीदना चाहते हो एंड उसके अंदर लैग आप नहीं देखना चाहते हो तो इस मामले में ब्लूटूथ 5.2 है, तो स्पीड या लैग के मामले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। वाईफाई की अगर मैं बात कर दूँ, यहाँ पे वाईफाई 6E अवेलेबल है, मतलब अगर आपके घर पे वाईफाई 6E वाला राउटर है तो ये 6 GHz का जो फ्रिक्वेंसी है वो सपोर्ट करते हैं। इस बजट रेंज में वन प्लस है, हमारा ऑलरेडी एक वीडियो है वन प्लस को लेकर के कंपैरिजन किया है हम लोग, वो जाके देख सकते हो। वन प्लस के अंदर ये फीचर अवेलेबल नहीं है, 6 GHz का अगर आपका कनेक्शन है तो गेमिंग के मामले में या दूसरा किसी भी मामले में आपका फ़ोन कभी भी लैग नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो डिवाइस है, आपका घर पे दूसरा का जो मोबाइल होगा है, जैसे कि आपका फादर से या मदर का मोबाइल है या आपका भाई का मोबाइल है, तो उसमें क्या होगा, बेसिकली 5 GHz का ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन होगा, या आपका घर पे किसी भी एक फ्रीज है जिसके साथ ये कनेक्टेड है, प्रिंटर के साथ कनेक्टेड है, तो सारे के सारे 2.4 GHz में अप्लायंसेस आपका जो है कनेक्टेड होगा, लेकिन आपका जो फ़ोन है वो 6 GHz पे कनेक्टेड होगा तो आपका फ्रिक्वेंसी कभी भी इंटरप्ट नहीं होगा, आपका स्पीड बरकरार रहेगा। तो इसीलिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकेशन सर्विस की बात कर तो GPS, AGPS, LTE, PP, SUPL, GLONASS, Galileo सारे के सारे GPS सर्विस जो है इसके अंदर अवेलेबल आपको देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल ये जो फ़ोन है काफ़ी अच्छा खासा फ़ोन है। इसका प्राइस के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले IQ 0090 इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो IQ 0090 जो मोबाइल है इसका जो मेन हाईलाइट है, यहाँ पे V1 चिप अवेलेबल है। इसके अंदर जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 8 प्लस वो सेम Gen 1 मोबाइल प्लेटफॉर्म वाला प्रोसेसर है, साथ ही साथ एक नया प्रोसेसर आप कह सकते हो डिस्प्ले प्रोसेसर यहाँ पे ऐड कर दिया, वो प्रोसेसर बेसिकली V1 प्रोसेसर करके, जिसके अंदर आप क्या होगा बेसिकली जब आप गेम खेल रहे हो
तो आपका जो प्रोसेसर है वो सारे के सारे चीज़ उसको प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, वो जो V1 चिप है या V1 ग्राफिक्स प्रोसेसर है वो सारे के सारे प्रोसेस करके आपका डिस्प्ले के अंदर दिखाई देगा, इसीलिए कलर एक्यूरेसी फ्रेम रेट जो है इंक्रीज हो जाएगा। इसका जो स्टोरेज है UFS 3.1 स्टोरेज जो है इसके अंदर देखने को मिल जाता है, LPDDR5 रैम इसके अंदर देखने को मिल जाता है एंड इसका काफ़ी सारा वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। 6400 Mbps का यहाँ पे स्पीड आपको देखने को मिल जाता है एंड इसका जो टैग है फील द स्पीड 120 वाट का फ्लैश चार्ज इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। जो है यहाँ पे 6C बैटरी सेल इसके अंदर इस्तेमाल किया गया, तो मतलब काफ़ी सारा हाईटेक टेक्नोलॉजी इसके अंदर इस्तेमाल किया गया। 8 मिनट्स के अंदर 50% चार्ज हो जाएगा, 20 मिनट्स के अंदर 100% चार्ज हो जाएगा, मतलब आप सोच सकते हो। आप नॉर्मली सुबह उठे, नॉर्मली आपका फ़ोन चार्ज पे लगाया, मुँह मतलब ब्रश करना या मुँह धोना है जो भी करना है वो उसके अंदर आपका फ़ोन फुल चार्ज हो जाएगा। आप सोच सकते हो मतलब कितना बढ़िया चीज़ है। 120 हर्ट्ज का E5 AMOLED डिस्प्ले इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। AMOLED डिस्प्ले जो है ऑब्वियसली इसके अंदर अंडर स्किन फिंगरप्रिंट देना पॉसिबल है क्योंकि ये डिस्प्ले ट्रांसपेरेंट होता है। HDR10+ जो है सर्टिफिकेशन इसके अंदर अवेलेबल है एंड 120 हर्ट्ज का जो है रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले के मामले में जो है मोटोरोला इस फ़ोन की आगे जाता है क्योंकि उसके अंदर कार्व डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, तो ऑब्वियसली उसका प्राइस हाई होगा। इसका जो डिस्प्ले का कॉर्नर है वो थोड़ा कार्व देखने को मिल जाता है लेकिन इसके अंदर वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको E5 AMOLED डिस्प्ले ऑब्वियसली मैंने बताया एंड कॉन्ट्रास्ट रेशियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा है 8000000:1। ये कॉन्ट्रास्ट रेशियो HDR10+ ऑब्वियसली इसके अंदर अवेलेबल है एंड 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, 1500 निट्स का पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली V1 चिप V1 प्लस जो चिप है वो आपको देखने को मिल जाता है। फ्रेम में जो है 60-90 फ्रेम तक आपको गेम पे मिल सकता है काफ़ी आसान तरीके से। 120 हर्ट्ज़ का इंस्टेंट टच आपको देखने को मिल जाता है एंड 360 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट आपको देखने को मिल जाता है जो गेमिंग के मामले में काफ़ी अच्छा खासा चीज़ है। एंड यहाँ पे वेपो चेंबर लिक्विड कूलिंग सिस्टम है। लिक्विड कूलिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में हमारा एक वीडियो है, वो जाके देख सकते हो। लिक्विड कूलिंग बेसिकली आपके फ़ोन के अंदर एक मेटल रहता है उसके अंदर लिक्विड रहता है, जो हीट है वो पीछे में पूरे की पूरा तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो लिक्विड कूलिंग सिस्टम जो है काफ़ी एक एडवांस चीज़ है। ये जो मोबाइल है IQ 0090, इस मोबाइल के अंदर गेमिंग जो आपका एक्सपीरियंस है उसको अच्छा करने के लिए इसके अंदर काफ़ी सारा चीज़ें किया गया है। पहला चीज़ जो है इसके अंदर डुअल स्टीरियो स्पीकर आपको देखने को मिल जाता है। डुअल मतलब लेफ्ट साइड में एक, राइट साइड में एक आपको देखने को मिल जाता है एंड साथ ही साथ यहाँ पे डुअल डिस्प्ले, डुअल जो है इन डिस्प्ले, डुअल मॉनिटर टच जो है आपको देखने को मिल जाता है जो आपका लेफ्ट पॉइंट एंड राइट पॉइंट को इंडिकेट करते हैं, काफ़ी सारा चीज़ें हैं। साथ ही साथ यहाँ पे डुअल लिनियर मोटर वाइब्रेटर आपको देखने को मिल जाता है, मतलब दोनों साइड पे जब आप गेमिंग करेंगे तो जो वाइब्रेशन होगा कि इस साइड से आपको गोली पड़ रहा है, इस साइड से गोली पड़ रहा है एंड जो है फील वो गेमिंग का पूरा की पूरा फील आप ले सकते हो। इसके अंदर जो कैमरा है 50 मेगापिक्सल का GN5 अल्ट्रा सेंसिंग कैमरा है। देखिए उसके अंदर 200 मेगापिक्सल का कैमरा है लेकिन इसका कैमरा भी बुरा नहीं है। 48 मेगापिक्सल का एप्पल का कैमरा है जैसे कि आपको एग्जांपल दिया, तो यहाँ पे मेगापिक्सल की बात नहीं है। इसके अंदर जो कैमरा है 50 मेगापिक्सल का GN5 अल्ट्रा सेंसिंग कैमरा, तो ये कैमरा जो है काफ़ी एक तगड़ा कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। GN5 अल्ट्रा सेंसिंग वाइज देखने को मिल जाता है। 13 मेगापिक्सल का और एक कैमरा आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे 20x जूम के लिए अलग सा कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। एंड जो V1 चिप है उसकी वजह से आपका कैमरा जो है, कैमरा का जो फीचर है फोटो प्रोसेसिंग जो है वो काफ़ी जल्दी करेगा एंड फोटो प्रोसेसिंग नेक्स्ट लेवल का एल्गोरिदम इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए क्या होगा, बेसिकली आपका जो नाइट मोड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रेज मतलब शार्प हो जाएगा, आपका जो वीडियो या आप किसी भी फुटेज आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सर्फ हो जाएगा वो जो है चीज़ ऑन करने से एंड जो डार्क चीज़ होगा वो सारी की सारी चीज़ एंड प्रो स्पोर्ट मोड अवेलेबल है जो मतलब आपका रनिंग चीज़ जो है हो सकता है। एंड 12 मेगापिक्सल का प्रोफेशनल जो है पोर्ट्रेट कैमरा है, तो पोर्ट्रेट फोटोशूट लेने में ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा खासा आपको जो है देखने को मिल जाएगा। तो इसके अंदर पूरे की पूरे यही चीज़ है। इसके अंदर 8GB एंड 12GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है रैम का, उसके अंदर आपको 8GB का रैम वेरिएंट देखने को मिल जाता है। बैटरी इसका 4700mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है एंड इसके अंदर जो OS है फन टच OS 12 बेस्ड, एंड्रॉयड 12 बेस्ड है एंड वो भी एंड्रॉयड 12 बेस्ड ही है अवेलेबल है एंड फुल HD+ डिस्प्ले वगैरह सारी की सारी चीज़ देखने को मिल जाता है। इसके अंदर भी आपको
4G 5G का वाइड वाइड रेंज में बैंड आपको देखने को मिल जाता है, 4G FDD TDD सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। एंड कैमरे के बारे में तो ऑलरेडी बता दिया आपको, पीछे में जो कैमरा है वो सारी की सारी बता दिया। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का आपको जो है देखने को मिल जाता है कैमरा, फ्रंट कैमरा। तो उसके मामले में ऑब्वियसली मोटोरोला जो है आगे जाता है। इसके अंदर वाईफाई का जो है सपोर्ट है, एंड वाईफाई का क्या क्या वाईफाई सपोर्ट है इसके अंदर नहीं है, तो ऑब्वियसली 2.4 GHz एंड 5 GHz वाला सपोर्ट है। 6 GHz इसका सपोर्ट होता तो ऑब्वियसली ये लोग बता देते हैं। ब्लूटूथ 5.2 अवेलेबल इसके अंदर है। USB टाइप सी जो है पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। एंड चार्जिंग के मामले में वायरलेस वगैरह ये सारी की सारी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अब हम लोग कंपेरिजन करते हैं। अब ये IQ00 जो है इसका प्राइस देख लेते हैं, एंड यहाँ पे मोटोरोला S30 अल्ट्रा का प्राइस देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग एक वेरियंट सेट करते हैं। यहाँ पे IQ00 जो है 8GB एंड 128GB वाला सेट करते हैं, क्योंकि उसके अंदर 8GB 128GB वाला आपको देखने को मिल जाता है। एक ही वेरिएंट उसका अवेलेबल है, उसका दूसरा वेरिएंट नहीं है मोटोरोला S30 अल्ट्रा का। तो IQ00 90 यहाँ पे इसका जो प्राइस है 8GB 128GB का 49,999 रुपीज़, यानी कि आप 50,000 कह सकते हो। इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का एक अच्छा कैमरा देखने को मिल जाता है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का आपको कैमरा फ्रंट में देखने को मिल जाता है। एंड इसके अंदर जो बैटरी आपको देखने को मिल जाता है 4700 mAh का बैटरी आपको देखने को मिल जाता है। 2400x1080 का डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। इसके अंदर नॉर्मल डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्ले है। तो ये है 50,000 में एक 5G फ़ोन आपको देखने को मिल रहा है। इसके अंदर सेम रैम, सेम प्रोसेसर, सेम सारे के सारे वो जो इंटरनल प्रोसेसर वो सारे के सारे देखने को मिल जाते हैं। सिर्फ यहाँ पे V1 Plus एक एक्स्ट्रा चिप अवेलेबल है। आप देख लेते हैं मोटोरोला S30 Ultra की बारे में। मोटोरोला S30 Ultra के अंदर इसका जो प्राइस है 59,999 रुपीज़, यहाँ पे 10,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा जा रहा है, मतलब 60,000 इसका प्राइस है। तो 10,000 ज़्यादा आपको पे करना पड़ रहा है, इसके बदले में आपको क्या क्या मिल रहा है वो आपको दिखा रहा हूँ। देखिए 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, ऑब्वियसली इसका कैमरा उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर कैमरा है। फ्रंट में आपको 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, 60 मेगापिक्सल का कैमरा है। पीछे में आपको 200 मेगापिक्सल का 8K रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो, 30 फ्रेम 60 फ्रेम पर आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ये गया सबसे पहला चीज़। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ तो ये कर्निंग डिस्प्ले है, मतलब जो डिस्प्ले का कॉर्नर है वो राउंडेड है, जैसे कि सैमसंग एस मॉडल पे आते हैं तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा दिखने में काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न लगते हैं। तो ओवरऑल डिस्प्ले की बात करूँ तो ऑब्वियसली ये डिस्प्ले ज़्यादा महंगा डिस्प्ले है। इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिल जाता है, जो एक काफ़ी अच्छी बात होता है। इसके अंदर 120 वाट का चार्जिंग देखने को मिल जाता है, उसके अंदर भी देखने को मिल जाता है। लेकिन मोटोरोला S30 के अंदर, S30 अल्ट्रा के अंदर 50 वाट का आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल जाता है, 10 वाट का रिवर्स चार्जिंग देखने को मिल जाता है। 10,000 रुपीज़ अगर आप अच्छा दे रहे हो ना, तो ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में दे रहे हो। तो क्या जो इसका बैटरी है, ये दोनों का लगभग सेम ही बैटरी है, लेकिन सारी मतलब इसके अंदर जो और एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है वो वाईफाई 6 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। वाईफाई 6E इसके अंदर अवेलेबल है। तो 10,000 एक्स्ट्रा देने से आपको क्या मिल रहा है, अच्छा डिस्प्ले मिल रहा है, सेम प्रोसेसर मिल रहा है, सेम रैम मिल रहा है, एक अच्छा कैमरा देखने को मिल जाता है। फ्रंट में रियर में दोनों में एक अच्छा कैमरा देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले अच्छा है, कैमरा अच्छा है, साथ ही साथ इसका ओवरऑल जो डिस्प्ले का क्वालिटी है वो अच्छा है, डिज़ाइन ऑब्वियसली अच्छा है। एंड ये मोटोरोला का जो ब्रांड वैल्यू है IQ00 से या IQ00 से काफ़ी ज़्यादा हाई ब्रांड वैल्यू है। तो 10,000 ज़्यादा देने से आपको अच्छा कैमरा, अच्छा डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, अच्छा चार्जिंग देखने को मिल रहा है, वायरलेस चार्जिंग इसके अंदर अवेलेबल है। तो ये सारी की सारी चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं IQ00 90 का दूसरा वेरिएंट के बारे में। तो यहाँ पे दूसरा वेरिएंट है 12GB एंड 256GB। तो इसके अंदर इसका प्राइस है 54,999 रुपीज़, यानी कि 55,000। अब 55,000 में आपको क्या मिल रहा है, 12GB रैम, उसके अंदर 8GB रैम है, एंड यहाँ पे 256GB वाला इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो फ़ोन जो है ज़्यादा प्रीमियम, ज़्यादा मॉडर्न, ये एक प्रीमियम फ़ोन दिखेगा आपको मोटोरोला S30 Ultra। ऑब्वियसली इसका जो कलर वगैरह है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा है। इसके अंदर दो कलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इंस्टॉल ब्लैक एंड स्टार लाइट वाइट, ये दोनों कलर इसके अंदर अवेलेबल है। एंड इसके अंदर जो है एक अल्फा कलर, अल्फा ब्लैक है, एंड लेजेंड करके एक कलर, वाइट सा कलर आपको देखने को मिल जाता है। एंड इसका जो ब्रांडिंग है वो मतलब BMW का जो वो ब्रांडिंग होता है ना, वो ब्रांडिंग इसके अंदर अवेलेबल है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो डिस्प्ले
एंड सारी की सारी चीज़ें, या प्रीमियम एक फ़ोन जो फ़ोन देखने के बाद लोगों को पता चलेगा कि नहीं ये एक प्रीमियम फ़ोन है, एंड जो फ़ोन चलाने में काफ़ी अच्छा खासा होगा ऑब्वियसली वो मोटो S30 Ultra होगा। एंड यहाँ पे आपका हिसाब से, आपका प्राइस के हिसाब से, अगर आप 10,000 rupees ज़्यादा नहीं देना चाहते हो, एक कर्निंग डिस्प्ले नहीं खरीदना चाहते हो, या एक प्रीमियम देखने वाला फ़ोन खरीदना नहीं चाहते हो, तो उसके लिए आप मोटोरोला को स्किप कर सकते हो। लेकिन ये दोनों की अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ऑब्वियसली मोटोरोला S30 Ultra आपको देना चाहिए। अब आप 50,000-55,000 दे सकते हो, तो 10,000 भी दे सकते हो। अगर आपको एक अच्छा खासा ब्रांडिंग, एक ब्रांड का फ़ोन चाहिए तो ये भी ले सकते हो, ये भी अच्छा खासा ब्रांड का फ़ोन है, ये नहीं मैं बता रहा हूँ कि ये, या IQOO, ऑब्वियसली वीवो का एक नया एक फ़ोन जो है ये इन लोगों ने बिल्ड किया, ऑब्वियसली एक नया एक कंपनी आप कह सकते हो, ये लोग ऐसे ही करते, एक सब ब्रांड क्रिएट करते, जैसे कि वीवो ने, जैसे कि ओप्पो ने क्रिएट किया रियलमी, या ओप्पो ने क्रिएट किया वन प्लस, तो इसी तरीके से वीवो एक क्रिएट किया ये वाला फ़ोन। तो ऑब्वियसली ये फ़ोन भी अच्छा है, ये फ़ोन को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन डिस्प्ले जो है मॉडर्न ज़्यादा मोटोरोला S30 Ultra की है। अभी यहाँ पे आपका प्रेफरेंसेस है, आप कौन सा फ़ोन खरीदना चाहते हो। अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो गेमिंग के मामले में IQOO 90 ऑब्वियसली अच्छा होगा, क्योंकि उसके अंदर एक डेडिकेटेड चिप आपको देखने को मिल जाता है। इसके अंदर भी प्रीमियम गेमिंग होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अल्ट्रा मोड में आप गेमिंग कर सकते हो। दोनों फ़ोन ऑब्वियसली अच्छा है, लेकिन गेमिंग या देखने के मामले में IQOO 90 ऑब्वियसली अच्छा होगा। तो आप, आपका राय है, आप कौन सा फ़ोन खरीदना चाहते हो। आई होप ये वीडियो जो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा। अगर आपको लगे वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो आपको जो फ्रेंड्स हैं सबसे पहले उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो ऑल नोटिफिकेशन बटन देंगे उसको प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग डिजिटल पंडित।